अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं अब सब। तो आज है जुम्मा, नाश्ता खाना हमने एक साथ ही खाया क्योंकि आज अनाया जोया दोनों की छुट्टी थी और शौर जी की भी छुट्टी होती है, तो लेट उठे और आलू का पराठा बनाया था और चाय पिए और पेट भर के खा लिए हैं, नमाज पढ़ के बस निकले हैं अभी शूट के लिए। और आज हमारा मी फैरी का शूट है, तो फरा भी आने वाली है वहाँ से और हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं लोकेशन पे, क्योंकि वीक में हमने डिसाइड किया है कि एक ही दिन हम लोग शूट करेंगे पूरे हफ्ते का कंटेंट, तो बस वहाँ पे जा रहे हैं। और मेरे साथ है शोहर जी और जोया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, जन्नत मुकाम। जोया आज बहुत प्यारी लग रही है। जब हम उतरेंगे ना, आज हम सब पर्पल है, मैं भी पर्पल हूँ, शोहर जी भी और जोया भी। अनु को नहीं लेकर आए, अनु को मेरे कोई रिलेटिव्स के पास मैंने छोड़ा है। अब चलते हैं लोकेशन पे। चल लोकेशन मिला है और इधर इतनी शांति है ना, बहुत बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, इतने दिनों के बाद ऐसा नेचर देखने मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रिप पे आए हैं, मजा आ रहा है। चलो, सो मच स्ट्रगल, स्ट्रगलिंग हो रही है वहाँ पे, मतलब थोड़ा ऐसा अंधेरा आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, साथ साथ खाएंगे भी और शूट भी करेंगे। फरा अपने दोनों के बैकबोन्स और ये एक अलग यू प्यारी सी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अगर आपको परचेस करना है ना तो जोया लिंक दे देंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर ये ड्रेस का गाइस, ड्रेस का आपको परचेस करना है। कहाँ का ये ड्रेस? ये कहाँ का है भैया? मिंत्रा। तो चलिए करते हैं शूट। चलो, वो फाइनली हो गया है शूट। तुम कहाँ तक भागोगी? और थोड़े से यहाँ पे चाय वाय नाश्ता किए और अब जो है निकलते हैं। बहुत प्यारा सुकून वाला लोकेशन है, लेकिन कम से कम एक दो बजे आना चाहिए यहाँ पे, जोहर के बाद निकलना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। और शौहर जी कैसा लगा? अच्छा है। हो गया काम, तो फिर काम थोड़ा सुकून भी लगता है हफ्ते में, तो वही है काम है, तो हो गया तुम लोग का काम। चलो ठीक है, बोला तो हमारी छुट्टी का यूटिलाइज फुल कर लेते हैं। और मी फेरी पे हुए हैं 15K, 15,000 फॉलोवर्स। ये सिर्फ दो हफ्ते में हमारे 15,000 फॉलोवर्स हो गए। ये देखते 1,00,000 हो जाएगा इंशाल्लाह, और बहुत आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जरूर। ठीक है, चलो फिर चलते, चलो निकलते हैं, अभी जाते हैं घर पे। चलो काम के बाद तो खाना जरूरी है, वो बोलते ना गाड़ी को भी पेट्रोल लगता है, हमको भी भूख लगी है, खाना खाते हैं कुछ। तो यहाँ पे बाबे खाते ना, यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है मिसल पाव, हम हमेशा आते ही रहते हैं। चलो फिर खाते हैं और फिर टाटा बाय बाय। कब आओगी तुम? अभी वापस, हर वीक तो आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो दो दिन से काफ़ी बिजी चल रहा था, बाहर ही थी दो दिन से शूट पर, और आज जो है आज हम काम पे लगे। आज संडे है, सबका पार्सल पैक होगा और कल डिस्पैच होगा, तो वो पार्सल पैक करते हैं। और आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी क्योंकि संडे स्पेशल है, और आज है ना बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आज मैं ही खुद घर वालों को ट्रीट दूंगी और चिकन बिरयानी बनाऊंगी। ऑलमोस्ट मसाला और राइस रेडी है, बस हमको दम पे लगाना है। जब हम खाना खाने बैठेंगे रात में डिनर पे, तब फिर मैं दम पे लगा दूंगी दोनों, राइस और वो मसाला। और अब जो है फटाफट करते हैं पार्सल पैक क्योंकि कल डिस्पैच होने वाला है। तो
तो ये मसाला मैंने सुबह ही बनाकर रख दिया था और इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर बिरयानी की रेसिपी दे दी थी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पर लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको बिरयानी की रेसिपी मिल जाएगी। और अगर जिनको पहले की नहीं चाहिए, नया चाहिए, तो इंशाल्लाह थोड़े दिन में नया रेसिपी भी बना दूंगी बिरयानी की। सेम एज इट इज वैसे ही मैंने बनाया है। बस अभी सुबह में क्या हुआ पता है, कोथमीर पुदीना खत्म हो गया था, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, वरना सुबह ही बिरयानी बन जाती। तो अभी पुदीना कोथमीर और कोथमीर तो इतनी ज्यादा महंगी हो गई है, पूछो मत। अर्शा जी ने 70 रुपए की एक गड्डी लेके आए, मैं शॉक हो गई थी लिटरली। मैंने ऐसे पैकेट्स बनाकर रख दिए हैं, इसमें से भी थोड़ा 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 यूज करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1-2 हफ्ता तो चलाना पड़ेगा इसे, तब जाके वो पैसे कवर होंगे, वरना 70 रुपए की इतनी कैसे महंगी हो रही पता नहीं यार सब्जी तरकारी। तो थोड़ा सा लेती हूँ अभी, अभी तो बिरयानी के लिए तो ज्यादा लगता ही है, थोड़ा लेती हूँ कोथमीर और थोड़ा पुदीना, अच्छे से इसको वॉश कर देंगे और डालेंगे इसमें, और इसका मसाला सुखाएंगे, बेरिस्ता डालेंगे। राइस मेरा यहाँ पे बॉइल्ड हो चुका है ऑलरेडी, सुबह ही थर लगा देंगे और दैट्स इट, हमारी बिरयानी रेडी है। रात में हम खाएंगे बिरयानी। इसमें मैंने बेरिस्ता डाला है थोड़ा सा और अच्छे से मसाले को भून लिया है, और अब मैं कोथमीर और पुदीना ऐड करूंगी बहुत सारा, इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। गैस मैंने बंद कर दिया है, बंद करके चावल और मसाले के लेयर्स लगाएंगे। मस्त लग रहा ना मसाला। और ये जो बेरिस्ता है ये फ्रॉम नुगेर केटर्स, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा, मैं तो खाते ही रहती हूँ उसको, बहुत फ्रेश होता है। ऐसे बर्नी में भर के रख दो, सब कुछ बहुत टेस्टी बनता है, ग्रेवी बिरयानी सब कुछ बहुत अच्छा बनता है। मेरी बिरयानी इंस्टेंट इतने जल्दी इसलिए बनती है क्योंकि बिरयानी का सब में मेन रोल बिरिस्ता का होता है। तो थैंक यू नुगेर केटर्स वंस अगेन, हमारा काम आसान करते हैं। अब जो है मैं लगा देती हूँ और दम पे चढ़ा देती हूँ, बच्चों को लग गई है। मसाला सब निकाल देती हूँ क्योंकि ये फिर मुंह में आ जाते हैं। मस्त खिले खिले राइस बने हैं। वाह दिखाओ राइस का साइज, कुछ ज्यादा ही बड़े दिख रहे हैं। अच्छे ना, बहुत अच्छे। हमने कुछ नया, वो भैया बाहर जो रहते ना किराने माल के ग्रोसरी वाले भैया, वो बोले ये बिरयानी इसकी बनाकर देखो कैसी बनती है, बहुत अच्छे, बहुत लंबे लंबे राइस है। नाम बिरयानी राइस ही है, पता नहीं और कौन सा, बासमती बोले ना उन्होंने। हाँ बासमती बिरयानी राइस, देखो कितने खुले खुले राइस है, है ना। तो अच्छे से लेयर लगा देंगे और अभी इस पे और थोड़ा बिरिस्ता और थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे और फिर रख देंगे इसे मस्त दम पर, ठीक है। काला तवा नीचे कोना रख दिया है और इस पे लगाएंगे ढक्कन ऑफ अच्छे से, अभी इसको 20-25 मिनट तक आराम से दम होने देंगे और मज़ेदार बिरयानी रेडी है, खा लेंगे। ज़्यादा नहीं बनाया, 1 किलो की बनाई क्योंकि हम तीनों ही हैं, तो कल भी हमको चल जाएगी, कल दोपहर में बहुत और ज़्यादा अच्छी लगती है। बासी बिरयानी किसको पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत थक गई हूँ सुबह से, आज घर में हूँ, काम में हूँ, अवतार में हूँ, आज मैं रेडी भी नहीं हूँ। जी हो गया है पार्सल पैक, थैंक यू, वेलकम वेलकम। हो गया तुम्हारे फाइनली पार्सल पैक? यस, रेडी टू डिस्पैच। है छोटे छोटे चीज लेकिन बहुत काम के, ये खुशी ही अलग है ना शार जी। ये बहुत ज्यादा खुशी मिलती है मुझे। तो तुम्हारे चप्पा है, मेरे अप्पा थोड़ी है, मेरे शौहर जी है। सलाम तो करो सबको। अच्छा सरप्राइज, रुको मत खोलो। क्या क्या दिखा, अनु का दांत गिर गया। अनु हो गई है बोचरी। बोचरी
अरे 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 कितना गुस्सा आ रहा है ना। खिड़की दिखा तेरी खिड़की, खिड़की को अभी दरवाजा ही नहीं है। प्रीति और देखो अजोया अपनी बिरयानी छोड़ के कहाँ चली गई। चलो आप ही टेस्ट बिरयानी को छोड़ सकती हो क्या? नहीं तुम्हारे लिए तो बना ही हुआ आज मैंने, इतने अर्जेंट में बनाने लगा है मुझे बिरयानी। अगर पता रहता तो मैं रेसिपी वगैरह मस्त तैयार बियर होके मस्त व्लॉग रेसिपी सब करती। कल टूटा ना, चलो टेस्ट करके बता जल्दी जल्दी। मुझे है ना वो देखने से इतनी अच्छी लग रही है ना, क्योंकि तुमने बनाई है। मम्मा के हाथ का खाना इज ऑलवेज द बेस्ट। थैंक यू शनी, चलो ट्राई करो। मम्मा ने बोले थे बहुत अच्छी है। मम्मा ने बोले मेरा दांत आज सॉइल के नीचे रखो। हाँ तो सॉइल के नीचे डालते हैं। क्यों? हम लोग को हमारे अम्मी अब्बा वही बोलते थे कि जब दांत टूटा तो मिट्टी में डाल देने का, तो हम लोग को वही है। क्यों डालने का रहता दांत मिट्टी में? मिट्टी में इसलिए क्योंकि अल्लाह की दीवी चीज सब मिट्टी में ही डालना पड़ता है, ताकि वो मैदान हशर में अपने को वापस से मिले करके अपने आन पे। वो नहीं बोला था ऐसा, किधर भी फेंक नहीं सकते, हर चीज का हिसाब है, तो वो भी बॉडी का पार्ट है, उसका भी हिसाब है अपने का। समझी शनी? अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड? बच्चे खुश तो मैं खुश, मेरा पेट भर गया ये इसके एंजॉयमेंट देख के। अभी स्नैप वगैरह सब डाले ही है। तो शौर्जी और अनु खा रहे हैं बिरयानी। मैंने ना काफी दिनों के बाद मैंने बिरयानी बनाई है, इसलिए लोग सब इतने खुश है। हाँ तो शौर्जी बताओ क्या नाइस तो खाओ तो सही पहले। अनु हाउ इट इज? वही ना, इसीलिए बच्चे बोलते ना मम्मी के हाथ की बिरयानी मिस करते। हाँ इसलिए मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ ना, तो थोड़ा देखो आज कितने एक्साइटमेंट में खा रहे सब लोग। हाँ। इसलिए रोज रोज बनेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। नहीं रोज मजा आएगा उसको। हाँ। रोज बिरयानी चाहिए ना। चलो आप लोग एंजॉय करो, ठीक है मैं बाद में खाऊंगी। बाद में खाऊंगी मैं। तुमको भी खिलाता नहीं, रहने दो बाद में। आप और आपकी बेटी खाओ। नहीं देखे ये इसने पहले नहीं बोली, सिर्फ वो आप बस आप उसको खिलाओ बस, और आप दोनों एक दूसरे में रहो बस, ठीक है। चलो खाओ एंजॉय करो। अल्लाह। कौन आया है हमारे घर पहली बार? कौन आया? वालेकुम सलाम। कौन है ये गुड बॉय? कौन है बोलो जल्दी बोलो कौन है? इधर इधर देखो, इधर देखो कौन है? कौन आया? मैं कौन? मैं कौन? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इजान। किसके लिए आया? तो किसको मिलने आया? आना आया बोलो। हाँ वेरी गुड बॉय। चलो अभी खाना खाओ चलो। और ये थोड़ा क्विक वाला दावत थी ऐसे ही, शॉर्ट नोटिस वाली दावत। इंशाल्लाह अच्छी दावत करेंगे तो और थोड़े आइटम रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलो स्टार्ट करो ये रोटी, मैं बिरयानी लेकर आती हूँ, ठीक है। हाँ मैं बताती टेस्ट करके गाइस कैसी बनी है बिरयानी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, ये कॉम्प्लीमेंट मैंने देखो जो भी है सच्ची सच्ची है, ऐसा जो है सिर्फ मारने वाली नहीं तुमको अगर अच्छी नहीं बनी तो। सुपर बनी है गाइस, बहुत भारी, बहुत दिन के बाद में मैं घर की बिरयानी खा रही हूँ, बहुत अच्छी है गाइस। आप लोग फटाफट इनको रेसिपी मांगो कमेंट। रेसिपी ऑलरेडी दी है बिरयानी पिछले साल हो गया। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि आज सुबह सुबह ही मसाला रख दी। बहुत सही बनी है, बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी। शॉर्ट जी को कैसे लगी? अच्छी है। तो गाइस हो गई है ये हमारी कॉफी रेडी। टेस्ट कर रही हूं मैं पहले। करो करो, वैसे आप बनाओगे और बिगड़ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ यार, बिगड़ सकता है। यू आर अ परफेक्ट इंसान, आप एक माँ हो। अच्छा। आप एक बहन हो। आज तो इन्होंने मेरे को सच्ची में अम्मी के जैसा ही ट्रीट किए, खाओ खाओ ले लेके खाओ। सच में आज मेरे को ये बात का अफसोस नहीं है कि मेरे को बहन नहीं है। अच्छा आज ऐसा लग रहा है कि हाँ बाबा मेरे को भी बहन है। चलो
चलो, मैंने वही बोली ना, तुम्हारे भी ब्लॉग में वही बोली, इसमें भी वही बोलूंगी कि मुझे ना बस लॉयल रहो मेरे साथ, अच्छे से रहो, और मेरा फिर कलेजा भी मैं निकाल कर ऐसे बाहर निकाल सकती, बस मेरे साथ अच्छे से नहीं होगा, बस मेरा ट्रस्ट मत तोड़ो, क्योंकि आज बहुत बोल रही ना, बहुत कुछ हुआ है इस साल, अभी तुम मिल गए, तुम भी ऐसे मत करना, कभी नहीं है, वादा वादा, ये व्लॉग देखना, अगर कुछ करूंगी तो मुझे ये बताना क्या हुआ तेरा वादा, फिर आप बोलो क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, ये थैंक यू सो मच, मेरे को सच में क्रेविंग हो रही थी, पता नहीं क्यों, चीयर्स, चलो समीर भाई को भी देखो, और एंजॉयिंग कॉफी, हाउ इज इट, इट्स वेरी टेस्टी, थैंक यू very much you are thank learning you so much didi you are serving us this coffee welcome anytime so good special ha I am feeling so special zoya is teaching english zoya is my new teacher now she okay. will make me perfect in mujhe sikhaing you're not teaching please sikhaing I want to learn zoya pronunciation pronunciation and some words First of all, fluency. Today we are doing vlogging in English, guys. So please watch our full vlog. Izan, don't miss the end. Hi, Izan. How are you? Say hi. Why you are making like this, move, baby? Get up. बस अभी पार्ट टू कल तुम्हारे व्लॉग में सिखा देना इंग्लिश, हम सीख करेंगे इंग्लिश, ठीक है, हिंदी में बात करके बोलते इंग्लिश सीख, वी शुड डू दिस यू नो फॉर योर चैनल, आज हम देखेंगे मेरे को कितनी आती है, हिंदी में बोलेंगे, मैं इंग्लिश में बोलूंगी, देखेंगे सही बोलती हूँ, स्पीक आप वर्ड बोल, एक सेंटेंस बोलो दैट आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ओके किचन में वो माशाल्लाह लिखा है, इन किचन देर इज रिटन माशाल्लाह, वो देर इट्स माशाल्लाह रिटन ऑन द किचन, ज़ोया करेक्ट हर, करेक्ट, इट्स रॉन्ग सेंटेंस, करेक्ट हर, नेक्स्ट सेंटेंस, ये चप्पल का रंग गुलाबी है, द कलर ऑफ द चप्पल इज गुलाबी, चप्पल इज बोलिए, माशाल्लाह इज रिटन ऑन द क्या बोलते हैं उसको, किचन वेयर फर्नीचर चिमनी, वो उसके लिए कुछ वर्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको गाइस, मुझे बताओ जरा क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं फर्नीचर, हम बोलते हैं कप्पे, माशाल्लाह इज रिटन ऑन द कप्पा, ए इसको मैं नहीं आती, बैड इंग्लिश टीचर, नो डोंट बैड इंग्लिश टीचर, नो डोंट आस्क समथिंग टू ज़ोया, हाँ ज़ोया हैव टू आंसर दैट, थोड़ा डिफिकल्ट, यस आते से ये अपने बारे में बहुत खड्डे थे, क्या आते से ये येवलेवाड़ी के रास्ते पे बहुत खड्डे थे, वाइल कमिंग फ्रॉम येवलेवाड़ी, वॉट एवर दैट, देयर वर अ लॉट ऑफ फॉट वार्स, इट्स माय माइका, डोंट से वॉट एवर, तुम लोग चालू करो, तुम लोग चालू रखो, शौर्य जी का फोन आ रहा है, शौर्य जी का फोन आ रहा है, चलो तुम दोबारा कंटिन्यू करो, फोन आ रहा, तो ये कुछ अनप्लान दावत थी, फरा और समीर भाई कुछ काम के रिलेटेड आए थे, तो हमने दावत भी कर ली, एंजॉय भी किया, मज़े भी किए, इज़ान से भी बहुत दिन के बाद मिले, बहुत अच्छा लगा, ऐसा रहा ये व्लॉग, सो चलिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।